फ्रेंड्स, वेलकम टू आरजे रेसिपीज। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पंजाबी पनीर पत्ता गोभी पराठा। फ्रेंड, इसके लिए क्या क्या सामग्री लगेगी ये देखते हैं हम लोग। अभी मैंने ये गेहूं का आटा लिया है फ्रेंड, और इसमें मैंने मोहन डाल के पहले से ही आटा लगा लिया है। उसके बाद पत्ता गोभी लिए आधा किलो, उसे कद्दूकस किया है। उसके बाद पनीर लिया है, पनीर को भी कद्दूकस किया है। मैदा लिया है मैंने पराठे को लगाने के लिए। उसके बाद मैंने नमक लिया है दो टीस्पून, हरी मिर्ची और अदरक का पेस्ट किया मैंने 2 से 2.5 चम्मच, और गार्निशिंग के लिए धनिया पत्ती। फ्रेंड, आटा हमने ऑलरेडी लगा के रखा था। अब हम आज बनाएंगे पनीर पत्ता गोभी पराठा। पत्ता गोभी को आधा घंटे के लिए 1.5 चम्मच नमक डाल के हमें भिगो के रखना है। और मेरा आधा घंटा हो गया है, मैंने भिगो के रख दिया था। अब हम इसमें से सारा पानी निकाल देंगे। क्या नमक डालने के बाद हमेशा पत्ता गोभी पानी छोड़ देती है, इसीलिए हमें नमक डाल के रखना है। देखिए, हम सारा आटा इस तरह पानी इस तरह से निचोड़ के निकाल देंगे। हमें इतना निचोड़ना है फ्रेंड, पानी का पूरा निकाल लेना है कि हमारा जो पत्ता गोभी है पूरा रवे की तरह हो जाना चाहिए। देखिए कितना पानी निकाल के रखा है मैंने, एकदम पूरा रवे की तरह हो गया हमारा पत्ता गोभी। अब हमें पत्ता गोभी और पनीर का मेजर बिल्कुल सेम लेना है दोनों का। जितना हमारा पत्ता गोभी है निचोड़ के निकाला हुआ, जितना पत्ता गोभी उतना ही पनीर लेना है। दोनों को अच्छे से कद्दूकस किया हुआ है। अब हम सारी सामग्री मिक्स कर देंगे। अदरक और मिर्ची की पेस्ट, नमक हमें बिल्कुल आधा टीस्पून डालना है, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले नमक डाला था। उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब हम डालेंगे इसमें धनिया पत्ती। आप फ्रेंड्स इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, एकदम बारीक बारीक पीसेस करके, बिल्कुल उसका टेस्ट बिल्कुल पंजाबी हो जाता है। अब हम एक गोला लेंगे आटे का, और फ्रेंड मैदा मैंने इसलिए लिया है कि हमारा जो पराठा है या रोटी है वो बिल्कुल वाइट दिखे एकदम। हमें इस तरह से बेल लेनी है। इतनी बेलने के बाद हमें इसमें स्टफिंग करना है जो हमने स्टफ बना के रखा है। 3 टीस्पून जितना हमें स्टफिंग करना है उसमें, और इस तरह से हमें रोटी को मोड़ लेना है। एकदम अच्छे से मोड़ना है ताकि हमारा स्टफिंग बाहर ना निकले बेलते वक्त, और थोड़ा सा गोला ज्यादा लेना है ताकि स्टफिंग बाहर ना आए। मैदा लगा के बेल लेंगे। मैंने इसमें जो पनीर यूज किया है फ्रेंड, वो मैंने मेरा लास्ट वीडियो में बताया था, मैंने छाछ से बनाया हुआ पनीर मैंने ये इसमें वही यूज किया है। हम इस तरह से पराठा बेल लेंगे। अब हम इसे कोई भी कोटिंग तवा लेना है फ्रेंड, ताकि हमारा पराठा बहुत अच्छे से बने और जले नहीं। अब हम इसे तेल से फ्राई कर लेंगे दोनों साइड से। इस तरह से हमें थोड़ा सा उसे दबाना है ताकि हमारा पराठा बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। फ्रेंड्स, मेरा पंजाबी पनीर पत्ता गोभी पराठा बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिएगा।